आपको छिंदवाड़ा लेकर चलते हैं। यहां पर एक अनियंत्रित यानी बहुत तेज रफ्तार की बस पलट गई और इसकी वजह से 3 लोगों की जान गई। हादसे में 42 यात्री घायल हुए, 5 लोगों की हालत गंभीर है। भोपाल से हैदराबाद ये बस जा रही थी। अभी बहुत दिन नहीं हुआ हादसा हुए, उस खबर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी संज्ञान लिया था और कड़ी कार्रवाई करते हुए सारे अधिकारियों के तबादले कर दिए गए थे। लेकिन अभी भी ये लोग सबक नहीं ले रहे हैं, अनियंत्रित बस पलटी है। अजय द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। अजय, मैं सीधा सीधा ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ये कैसे हुआ। जी, ये बताया जा रहा है कि अनियंत्रित रफ्तार थी बस, बहुत तेज चल रही थी, लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बस चलाई जा रही थी। बारिश का दौर था, तेज बारिश थी और विजिबिलिटी कम होने के कारण कहीं ना कहीं अनियंत्रित होकर ये बस पलटी है। भोपाल से हैदराबाद जा रहे थे लोग और लगभग 3 लोग इसमें मौत हुई है, 15 लोग घायल हुए हैं और टोटल घायलों की संख्या 42 बताई जा रही है। इन घायलों में भी 5 की हालत गंभीर है, उन्हें पांडुना से नागपुर रेफर किया गया है। मामला बड़ा स्पष्ट है, भोपाल से हैदराबाद बस जा रही थी और पांडुना के मोहिली घाट में पलटी है और दुर्घटना घटने का कारण तेज रफ्तार बताई जा रही है। जी, भारत में आप उंगलियों में गिन लेंगे 100 की रफ्तार में चलने वाली ट्रेनें, यहाँ पे 110 की रफ्तार से ये बस दौड़ रही थी और वो भी जैसा कि अजय द्विवेदी भी बता रहे हैं कि बारिश का वक्त था, विजिबिलिटी कम थी। लेकिन पता नहीं लोगों के मन में क्या फितूर है, हीरो बनने का शौक है, 110 में गाड़ी भगा रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि उस बस में कितने लोग सवार हैं। देखिए बारिश हो रही है, देखिए तस्वीरें देखिए आप, बारिश हो रही है, ये स्थिति है। 3 लोगों की जान चली जाती है और 42 लोग में से अजय ने बताया है कि 5 लोगों की स्थिति बहुत नाजुक है। गलतियों पर गलतियां, ये तो ठीक नहीं है। ये कोई अपने घर जा रहा होगा, कोई अपने बेटे से मिलने जा रहा होगा, कोई बेटी से मिलने जा रहा होगा, कोई जरूरी काम जा रहा होगा करने के लिए, कोई हो सकता है कि हैदराबाद में अपने आप को दिखाने जा रहा हो, किसी हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट हो। ये जिम्मेदारी होनी चाहिए।